बेटियों की बात करनी है, हमें रोजगार की बात करनी है, हमें लोगों को जो परेशानियां हैं, बच्चों के जो अफार हैं, जो झूठे अफारों में फंस गए हैं, उनकी बात करनी है। इंशाल्लाह तरक्की की बात करनी है। शोपियां टाउन जो पिछले 40 साल से इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसकी तरफ ध्यान देना है। हमारी बच्चियाँ जो इस वक्त पढ़ी लिखी है और रोजगार उनके पास नहीं है, उसकी तरफ भी ध्यान करना है। अल्लाह ताला का हम मशकूर है, उसी का शुक्र अदा करते हैं, उसी में ये सिलसिला चला है, वही देने वाला है, वही सब कुछ है। उसके बाद हमारे लोग हैं, शोपियान के लोग हैं, शोपियान कानून के लोग हैं, जिनने बहुत मेहनत की। इतना इलेक्शन में कितना, आपको पता है कितना टफ इलेक्शन था ये, तो इसमें खासकर हमारे नौजवानों की बात करेंगे, उन्हें हम पर भरोसा किया। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस होगी। काम करना है शोपियान के लिए, शोपियान को बहुत पीछे है, शोपियान के अभी डेवलपमेंट के जहां तक डेवलपमेंट की बात, वो बहुत पीछे है, बहुत पीछे। सिर्फ जो इस्तेसार ही नहीं, किसी ने हमें शोपियान को पूछा तक नहीं, इतना इस्तेसार हो गया। मरीज हाल हर इलाके में है, अगर हम सिद्दीक की बात करें, एक एक मोहल्ले में एक एक मरीज हाल है। ये जो सब पैसा गवर्नमेंट लगाया, सिर्फ शहरों में लगाया, खास जो जो बड़े बड़े खड़े पैसे, जहाँ शोपियान इतना बड़ा इलाका है, यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है अभी तक। तो ये हम, मैं अभी डीसी साहब से बात कर रहा था कि हमारा इंडोर स्टेडियम 2010 में हमने बनवाया बच्चों के लिए खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम, तो वो उसी जितना हमने उसको पैसा लगाया, वो आराम ऐसे ही खड़ा है। आज तक किसी एमएलए ने या किसी डीसी साहब ने या किसी ऑफिसर ने उसकी तरफ हाथ भी देखना था, कोई 50 लाख 4 लाख इन्हें अरबों रुपए खर्च किया, लेकिन अच्छे लोग अच्छे कामों के लिए इन्हें कोई पैसा। मैं तो मेरा बैकग्राउंड शोपियान में, मैंने इसमें बहुत पैसा भी लगाया इस हिसाब, तो कहाँ जाएंगे हम, तो शुक्रिया के है शुक्रिया। मुझे लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, लोगों के बगैर बस खिदमत करनी है, बाकी मिनिस्ट्री या पार्टियां मेरे लिए मानी नहीं सकती। लोगों से बात करूंगा, अपने जवानों से बात करूंगा, अपने टाउन में जो लोग है, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे वो स्टूडेंट एसोसिएशन हो, चाहे कोई भी एसोसिएशन हो या नौजवान हो गए, जब तक उनसे मशवरा करके तभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह हम शुक्रिया के, हमें फंडामेंटली शुक्रिया की तरक्की चाहिए।